सरपंच संघ राजस्थान द्वारा 20 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए चल रहा है चरणबद्ध आंदोलन। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव के नाम सौंपे गए ज्ञापन। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले अपनी 20 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन के तहत गुरुवार को संपूर्ण प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव व आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपे गए। सरपंच संघ के अध्यक्ष शक्ति सिंह रावत ने बताया कि यदि 7 दिनों में 20 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। चरणबद्ध आंदोलन की अगली कड़ी में 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को रूपनगढ़ में आयोजित होने वाली किसान सभा के दौरान ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 25 फरवरी गुरुवार को जयपुर में विधानसभा पर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिसमें तमाम सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को 5वें वित्त आयोग का लगभग 3500 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, ना ही मनरेगा का भुगतान 1 साल से सरकार द्वारा किया गया। ऐसे में सरपंच और ग्राम सेवकों में भारी आक्रोश है, इसलिए आगामी बजट में ग्राम पंचायतों के आधारभूत विकास के लिए सरकार 5000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा करे। ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों के हनन के लिए निदेशालय कोष और लेखा विभाग द्वारा जारी आदेश को हस्तांतरित किया जाए, सहित 20 सूत्रीय मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। हम सरपंच संघ की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। राज्य सरकार द्वारा पीडी खाते बंद करने के घोषणा की थी, आज तक पीडी खाते बंद करने का आदेश जारी नहीं हुए। हमारे पंचायत राज के वित्तीय आयोग के पैसे 29 करोड़ रुपए राज्य सरकार अभी पंचायत राज के खातों में नहीं डाले हैं, वो अतिशीघ्र 7 दिवस में डालें। नरेगा का भुगतान जो 1 साल से पेंडिंग पड़ा है वो भी जारी किया जावे। हमारी एक मांग है कि हमारी ये मांगे नहीं मानते हैं और हमारे को पंचायत राज के पैसे नहीं दिए जाते हैं तो सारे पंचायत राज का विकास कार्य पूरा चरमरा जाएगा। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 7 दिवस में हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा हम चरणबद्ध तरीके से आगे आंदोलन करेंगे। 13 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आ रहे हैं, उनको भी हम सरपंच संघ की पूरे प्रदेश लेवल पे ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। और 25 तारीख को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, विधानसभा जाएंगे और वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। ये सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाएंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।